दोस्तों चाइना अपने नेवी को लगातार बड़ा करने में लगा है, जो हर साल अपने नेवी में नए सबमरीन, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अमेरिकी नेवी के डोमिनेंस को खत्म किया जा सके। और चाइना इस क्षेत्र में इतनी जल्दी में है कि जल्दबाजी में अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर की क्वालिटी तक मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और आप इस इमेजेस में देख पा रहे होंगे, ये चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके डेक पर ही बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। चाइना को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। वहीं अब चाइना एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कोशिश में लगा है, जिसमें 10 एयरक्राफ्ट कैरियर का ताकत होगा। और ये कॉन्सेप्ट को चाइना वर्ल्ड वॉर टू के जापानीज नेवी की द ग्रेट यामाटो से ले रहा है। और आप सभी तो जानते ही होंगे, अमेरिका ने कैसे यामाटो को उसी के भारी भरकम साइज के चलते ही हरा दिया। ये सच है कि चाइना हथियार बनाने से ज्यादा उसका शोकेस करता है।